हेलो एवरीवन वेलकम टू वेदी फाइल तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल की फिनॉल कौन सी रिएक्शन देता है फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन देता है हमारी क्या फिनोल एडिशन रिएक्शन भी होती है उसके लिए, जो हम नहीं कर सकते है। इसलिए, फिनोल हमारा इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन देता है अब सबसे पहले बात आई ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है तो नाम से ही क्लियर है इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्सटीट्यूशन मतलब एक का आना और दूसरे का चला जाना और रिएक्शन मतलब रिएक्शन दैट मीन इस रिएक्शन में क्या होगा फिनॉल के ऊपर कोई जो हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं वहां पर कोई मेरा इलेक्ट्रोफाइल आएगा और वहां से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिकब्च्यूशन रिएक्शन ऑफ फिनॉल बात क्लियर है सो so मैं बात करता हूं फिनॉल्स की तो फिनॉल पे क्या ओएच ग्रुप प्रेजेंट होता है बिल्कुल बेंजीन के बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप लगा हुआ तो होता है जिसे हम फिनॉल बोलते हैं अब हमने जब फिनॉल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पड़ी थी तो हमने ये सब स्ट्रक्चर वहां पर देखी थी इन स्ट्रक्चर में आपने क्या देखा था कि जब ऑक्सीजन अपने लोन पेयर नीचे की तरफ देता है तो बताइए नेगेटिव चार्ज कहां कहां जनरेट होता है देखिए बताइए इसमें इसमें आप क्या देख पा रहे हैं सेकंड स्ट्रक्चर में देखिए एक नेगेटिव चार्ज मेरा ऑर्थो पोजीशन के ऊपर जनरेट हुआ है एक नेगेटिव चार्ज मेरा पैरा पे जनरेट हुआ है और वापस मेरा नेगेटिव रेजोनेंस करके वापस पोजिशन पे जनरेट होता है इसका एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, है।, है क्यों क्योंकि वो ऑर्थो पोजिशन पर और पैरा पोजिशन के ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट कर रहा है ऑर्थो और पैरा और पोजिशन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल भी वही आना चाहेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस होगी क्योंकि तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहा है या तो ऑर्थो पोजिशन पर है या पैरा पोजिशन के ऊपर है तो हमने क्या बोला ओ एच ग्रुप इज एक्टिवेटिंग ग्रुप एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप देर बात करता हूँ नाइट्रेशन रिएक्शन की कि कि किस तरह नाइट्रेशन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक्सिट्यूशन रिएक्शन होगा उस बारे में हम बात करने जा रहे हैं तो देखिए विद कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड एंड कंसेंट्रेट एच टू एसओ फोर फिनॉल गिव इट्रोफिनोल क्या देता है वो हमें टू फोर सिक्स डाइनाइट्रो ट्राइ नाइट्रोफिनोल या मैं बोल दू पिक्रिक एसिड पिक्रिक एसिड क्या होता है टू फोर सिक्स ट्राइनाइट्रोफिनोल को ही पिक्रिक एसिड भी कहा जाता है

या मैं बोल दू, पिकरिक पिकरिक एसिड एसिड इसी को हम पिकरिक भी बोलते हैं अब इस बारे में जब मैंने बात करी तो इसको क्या बोल सकते हैं है, है। अब वो अच्छी क्यों नहीं होती है क्योंकि अगर हम कंसंट्रेट एच एन ओ थ्री की रिएक्शन डायरेक्ट फिनोल के साथ करा देंगे तो वो तो ऑक्सीडाइज भी कर सकता है हमने पढ़ा था कंसंट्रेट एच एन थ्री क्या होता है स्ट्रॉन्ग एजेंट भी होता है तो वो उसको ऑक्सीडाइज भी कर सकता है इसलिए यहां पर हमको इस एसिड की एक अच्छी नहीं देखने को मिलती means, एक अच्छे अमाउंट में हमको ये नहीं फॉर्म होता हुआ दिखता इसका मतलब इसको किस तरह रिएक्शन करवाई जाए कि हमें पेकर एसिड एक अच्छे अमाउंट में मिले H2SO4 at 373 केल्विन टेम्परेचर क्या बोला हमने सबसे पहले आपको फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी कंसंट्रेट H2SO4 टू के साथ कराइए

ये फॉर्म होता हुआ दिखेगा और उसकी रिएक्शन फर्दर हम किसके साथ करा देंगे कंसंट्रेट HNO3 के साथ जब कराएंगे तो वहां पर हमें पिकरिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिख जाएगा और वहां पर ईल्ड हमारी 90 परसेंट ईल्ड होगी जैसे हमने क्या बोला उन सबको रिएक्शन से समझते हैं हम देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया ये जो मेरा फिनॉल है इसकी रिएक्शन कराई मैंने किसके साथ कंसंट्रेट H2SO4 के साथ कराई 373 केल्विन टेंपरेचर के ऊपर और जैसे ही मैं कराऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे बताइए मुझे एक मिल जाएगा

तो मुझे पिकरिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखेगा और जो पिकरिक एसिड यहां पर फॉर्म हुआ है उसकी यील्ड होगी 90% दैट मींस बहुत ज्यादा अमाउंट मेरे को पिकरिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखेगा जबकि मैंने बात करी अगर आप डायरेक्ट फिनॉल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 और कंसंट्रेट HNO3 के साथ कराते हो तो वहां पर पिकरिक एसिड तो फॉर्म होता है बट बट बहुत कम अमाउंट में फॉर्म होता है वो बात क्लियर है इसलिए हम उसको उस मेथड से ना बना के इस मेथड से फॉर्म करते हैं जहां पर सबसे पहले हम फिनॉल क्रिएशन सल्फ कंसेंट्रेट एस के साथ बनाते हैं टू फिनॉल सल्फ्यूरिक एसिड या फिर फोर फिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखता है उसके बाद उसकी रिएक्शन हम कंसेंट्रेट एच

इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है बट जो मेरे आइसोमर होते, है, है, होते हैं, होते हैं क्योंकि उनके अंदर होती है। और अगर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो वहां पर मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन हो जाएगा दैट मींस मॉलिक्यूल वहां पर जुड़ के रहेंगे कैसे रहेंगे जैसा कि मैं बात करता हूं ये है मेरा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इसमें आपका देख पा रहे हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है बिल्कुल यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है बट वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है बताइए इंटर मोलिकुलर सॉरी इंट्रामोलिकुलर है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है इसलिए ये इजीली वोलेटाइल होते हैं दैट मींस बहुत जल्दी वोलेटाइल हो जाते हैं इसलिए स्टीम डिस्टिलेशन से हम इसको सेपरेट कर सकते हैं बात क्लियर है और अगर पैरा की मैं बात करूं तो वो लेस वोलेटाइल होते हैं वो स्टीम डिस्टिलेशन से जल्दी

फिनॉल का नाइट्रेशन कराया पहला केस हमने देखा था जब हमने डायरेक्ट कंसनट्रेट HNO3 और कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई तो पिकरिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखा बट वहां पर यील्ड अच्छी नहीं मिलती थी तो उस यील्ड को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया पहले फिनॉल की रिएक्शन कंसनट्रेट H2SO4 के साथ कराई जहां हमें टू फिनॉल सल्फोनिक एसिड या फोर फिनॉल सल्फोनिक एसिड फॉर्म होता हुआ दिखा उन दोनों की रिएक्शन अगर उन दोनों की रिएक्शन हम किसके साथ करा दे बताइए के साथ करा देंगे तो हमें वहां पर एसिड जो फॉर्म होता हो दिखेगा उसकी ईल्ड बहुत ज्यादा होगी हमारे पास बात कर नाइनटी परसेंट हमने उसकी ईल्ड होगी हमने वो बात करी और अगर हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड ना लेके डायल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो हमें या तो औरतों सब्सिट्यूटेड नाइट्रोफिनॉल या फिर पैरा पैरासब्सिट्यूटेड

प्रोडक्ट उसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर होती है इसलिए वो मेरा लेस वोलेटाइल होता है बात कर हमारा तो किसके बारे में नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में आई होप आपको समझ में आया होगा थैंक यू